क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ पे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसका मैं फिर से यहाँ पर बनाया हूँ। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। दो शहर ए व बी 125 किलोमीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति पी शहर ए से शहर बी की ओर 7:30 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और व्यक्ति क्यू बी से ए की ओर 7 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो वो दोनों आपस में कब मिलेंगे यही बताना है हमको। तो दो शहर है ए और बी। पी यहाँ से 7:30 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तथा क्यू यहाँ से 7 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। अतः यह 7:30 बजे स्टार्ट करता है, लेकिन ये 7 बजे, तो इसको आधा घंटा, तो ये आधा घंटा कितना चलेगा, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के हिसाब से यहाँ 15 किलोमीटर आगे जाएगा। तो यहाँ पे अब ये 7:30 में पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस बचा है वो 110 हो गया, तथा चाल हमारा विपरीत है। यहाँ पे देखिए, ये विपरीत इधर जा रहा है तथा ये इधर आ रहा है, तो हम लोग को चाल, परिणामी चाल जुड़ जाएगा, मतलब 25 + 30 = 55 हो जाएगा। और हमें पता है कि चाल बराबर, ये सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमारा दूरी हो गया 110 किलोमीटर प्लस चाल हो गया 55 किलोमीटर परिणामी चाल, तो हमें समय निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से 2 घंटा आता है, अतः 7:30 बजे में 2 आवर ऐड कर देंगे तो 9:30 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। यदि किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार को आरंभ होता है, तो उस माह के द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि क्या होगी। यहाँ पे बोला गया है कि वर्ष का कोई एक माह, तो हम लोग कोई भी माह मान लेते हैं। वर्ष का कोई एक माह सोमवार को आरंभ होता है, मतलब 1 तारीख सोमवार को आरंभ होता है, तो उसमें शनिवार कब होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को होगा शनिवार। अब इसमें बोला गया है उस माह के द्वितीय शनिवार से, तो हमें अगर 6 तारीख को शनिवार है तो द्वितीय शनिवार 13-7 तारीख को हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को। तो इसमें बोला गया द्वितीय शनिवार से चौथे दिन, मतलब 13 के बाद हमें गिनना है, मतलब शनिवार से आगे गिनना है 4 दिन आगे, तो 14, 15, 16, 17, मतलब 17 दिन कौन सा तिथि होगी, 17 ही दिन होगी, तो आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 56। दी गई श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त है, वर्णों का सही समूह का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को भी देखकर बनाना रहता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ दिख रहा है बी है, यहाँ पे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे देखिए, फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में हम इसी में देखते हैं, कंपेयर ढूंढते हैं कि कहाँ पे इसका कंपेयर बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ए बी इसी क्रम में कहाँ पे आ रहा है, तो ए बी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ बी है, तो बी के आगे में ए आएगा, मतलब ये वाला ए, तो यहाँ बन गया ए बी, यहाँ भी बन गया ए बी। अब सी ए होगा, मतलब सी आगे में आएगा, तो यहाँ पे सी है, तो उसके आगे में ए हो गया। फ्रेंड, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, लास्ट का दो बी और आगे का बी ए मिलेगा, तो बीच का जो सी ए है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, मतलब ए ऊपर में होगा, परंतु सी जितना लंबा नहीं, मतलब सी ऊपर हो जाएगा और ए सी और बी के बीच में हो जाएगा। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं, यहाँ डी के बारे में बताया जा रहा है कि ई से लंबा है लेकिन बी जितना लंबा नहीं, मतलब बी और ई के बीच में डी हो जाएगा। तो पूछा गया इसमें सबसे लंबा कौन है, तो हम लोग ऐसे एरो करके निशान लगा देते हैं, मतलब कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 59। सही ग्रुप का चुनाव करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पहले इन दोनों में देखना है क्या
क्या ऐसा हो रहा है कि आगे ऐसा होगा। तो एन एच पी में देखते हैं, एन से ओ जाते हैं हम लोग, एन से ओ जाते हैं तो प्लस वन, प्लस वन एन प्लस वन ओ हो गया। वैसे एच से जी जाते हैं तो माइनस पीछे जा रहे हैं, मतलब माइनस वन। फिर पी से क्यू जाते हैं, फिर आगे जा रहे हैं तो प्लस वन, मतलब ऐसा करते जाना है कि प्लस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, उसी क्रम में इसे आगे आगे देखना है। तो टी प्लस वन यू हो जाएगा, एल माइनस वन के हो जाएगा और जे प्लस वन के हो जाएगा। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 60। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 60 डिग्री घूमती है, उसके बाद सुई की विपरीत दिशा में 105 घूमती है, 105 डिग्री। अब वह किस दिशा में है? तो हमें ये पता है, हमें दिशा पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि वह दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठी है, मतलब इस दिशा में मुँह करके बैठी है, मतलब ये वाली इस दिशा में। अब बोल रहा है वहाँ से वो 60 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। फिर अब यहाँ पे पहुँच गई। अब बोल रहा है कि यहाँ से वो 105 डिग्री घड़ी की विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे तो 60 हो गया, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस 45 करेंगे, 60 60 प्लस 45 तो 105 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि वो किस दिशा में है, अब वो किस दिशा में पूछा जा रहा है, तो हमको ये बताना है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा ईस्ट साउथ, मतलब दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 61। ए ने बी से कहा कि मैं अपनी दादी की लड़की, दादी की मतलब बेटी, लड़की के एकलौते भाई, भाई के एरो को हम लोग भाई बहन के एरो को ऐसे दिखाते हैं, प्लस दादी दादा माता पिता के एरो को नीचे वाले एरो से डिनोट करते हैं। तो बोला जा रहा है मैं अपनी दादी की लड़की के भाई से मिला, मतलब अपने पिता से मिला, ये उसकी बुआ हो गई, बुआ का भाई मतलब पिता नीची थी, एक ही भाई दिखा रहा है, इकलौते बोल रहा है, मतलब उसका पिता होगा, यहाँ चाचा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इकलौते शब्द दे दिया है, इसीलिए इसका निश्चित रूप से ए का पिता होगा। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62 63। यहाँ पे 62 को पहले देखते हैं। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना पूरा दिमाग लगाकर बनाना रहता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रहता है, इसको अपने माइंड से ही बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, जैसे कोई भी विभाग है वहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन जारी होता है, सबसे पहले विज्ञापन जारी होगा, फिर आवेदन मंगाया जाएगा, फिर चयन किया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा, फिर सॉरी किसी भी विभाग में सबसे पहले विज्ञापन जारी होता है, फिर आवेदन मंगाया जाता है, आवेदन मंगाने के बाद चयन किया जाएगा, चयन करने के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू लेने के बाद नियुक्ति किया जाएगा, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा उसकी परख की जाएगी उसके काम की। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कोई भी जो सदस्य है वो परिवार में शामिल हो जाएगा, परिवार किस में शामिल हो जाता है, समुदाय में, समुदाय किस में, एक इलाका बनाता है समुदाय मिलकर, और इलाका मिलकर एक देश बनाते हैं। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 64। एडजेक्टिव शब्द में से प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नई प्राप्त व्यवस्था में कितने स्वर होंगे। यहाँ पर बोला गया है स्वर को अगले अक्षर, मतलब स्वर एक अक्षर आगे चला जाएगा तथा व्यंजन एक अक्षर पीछे चला जाएगा। तो ए क्या है, यहाँ पे स्वर है तो एक अक्षर आगे गया, तो बी। डी क्या है, व्यंजन है तो वो पीछे चला जाएगा, तो सी। जे क्या है, व्यंजन है तो एक अक्षर पीछे चला जाएगा तो आई आएगा। ई स्वर है तो एक अक्षर आगे चला जाएगा तो एफ आएगा। ऐसे करते करते जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आई आ रहा है उसी क्रम में, मतलब बोला गया है नई प्राप्त व्यवस्था में कितने स्वर होंगे, तो एक आई स्वर है और एक यू स्वर है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 65। यदि यूनिवर्सिटी शब्दों के अक्षरों में ए बी
ए को बी, बी को सी, सी को डी, डी को ई, ऐसे लिखा जा रहा है क्रम में। तो निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर दाहिने से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का तीसरा अक्षर है? तो सबसे पहले हम लोग दाहिने से तीसरा मतलब आई, दाहिने से तीसरा, तीसरा मतलब आई हो गया, आई अक्षर के बाईं। अब आई के बाईं ओर देखना है, आई के बाईं ओर से तीसरा मतलब ई, ई। तो यहाँ पे बोला गया है ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो उसी क्रम में ई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आंसर डी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ी और हिंदी के सवाल हैं, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। छत्तीसगढ़ी नरवा शब्द का हिंदी समानार्थी, फ्रेंड्स ये नाला को नरवा कहा जाता है क्योंकि भूपेश मंत्रिमंडल सरकार ने, सॉरी भूपेश सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का शुभारंभ किया है, तो हम लोग को पता है नरवा नाला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आया लुलू जाया लुलू पानी ल डराया लुलू, पहली का अर्थ, इसका अर्थ जूता होता है तथा चश्मा को चढ़े ल कान में धरे ल कान कान बना और कोने ए इंसान। तो चश्मा को, चश्मा के लिए ये है और ये जूता के लिए है। क्वेश्चन नंबर 68 दस खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं, इसका आंसर होगा पत्री, ये पहली है फ्रेंड्स। इसको आप लोग टुटेजा ट्यूटोरियल के छत्तीसगढ़ी बोली की किताब में पूरा छत्तीसगढ़ी बोली सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। तो आप लोग से मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा कि आप लोग टुटेजा ट्यूटोरियल के छत्तीसगढ़ी बोली की किताब को खरीद लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का अर्थ, छत्तीसगढ़ी में माड़ी को घुटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 छत्तीसगढ़ी में टेटका को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए को लगा कर आए हैं, छिपकली को, लेकिन टेटका गिरगिट को कहते हैं और छिपकली को छत्तीसगढ़ी में घर रखा कहते हैं। तो आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम, इसमें छात्र के बारे में बताया जा रहा है, मतलब अच्छा छात्र है बोल रहा है, तो कौन, तो वह, तो संकेत किसके और वह की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसका आंसर 75 ए हो जाएगा। प्रत्यय कितने शब्दों से बना है? प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस ए, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 घड़ो पानी पड़ जाना का सही अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 78 षट मास का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका षट प्लस मास, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द नंदिनी नहीं है, बाकी कलत्र धारा तथा प्राणप्रिय पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80 सॉरी वन मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं, इसको भूल गए थे सॉरी। क्वेश्चन नंबर 71 छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के गीतकार का नाम डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना राजकीय गीत घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 72 बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक डॉक्टर चितरंजकर एवं सुधीर शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 73 छत्तीसगढ़ी पर उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा हुआ है पूर्वी छत्तीसगढ़ में। ओ क्वेश्चन नंबर 74 वह दिन भर काम करत रही, इसमें दिन भर है क्रिया विशेषण, दिन भर मतलब क्रिया को दिखा रहा है, मतलब दिन भर काम कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 75 इसको हम लोग देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो संग्रहित इसका मात्रा सही है, बाकी सबका मात्रा गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 समाज के कितने भेद होते हैं? समाज के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्म धारा, द्विगु, बहुव्रीहि तथा द्वंद। क्वेश्चन नंबर 82 नीलकमल में
कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधारा समास है। कर्मधारा समास जिसमें विशेषण और विशेष दोनों प्रधान हों। 83 अनभिज्ञ के संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अन प्लस भिज्ञ। 84 निम्न में से सही वाक्य, तो इसका होगा मैंने छत पर बिल्ली देखी, यही इसका सही वाक्य होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी में लरिया बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए और देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या लेता है। क्वेश्चन नंबर 87 कुडुख या उराव किस भाषा परिवार की बोली है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। इसको 2019 में भी CGPSC ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 88 छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आग में सेंकी गई रोटी को छत्तीसगढ़ी में अंगाकर कहते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम, फ्रेंड्स उत्ती को मतलब पूर्व को छत्तीसगढ़ी में उत्ती कहते हैं, तो पूर्व का विलोम पश्चिम हो गया, तो पश्चिम को मूर्ति कहते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा। रक्षहू को दक्षिण कहते हैं तथा भंडार उत्तर को कहते हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 91 छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो बिजहा योजना चलाया जा रहा है तथा माई कुठी योजना में लेखकों द्वारा उनके की पुस्तक का दो दो प्रति खरीद कर संग्रहण करना है। क्वेश्चन नंबर 90 गोरस, गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गौरव शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गौरव गोरस जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 93 छत्तीसगढ़ी में लाला का स्त्रीलिंग लाली हो जाएगा, ई इकार अंत से बनाएंगे हम लोग लाली। छत्तीसगढ़ी में खेत का बहुवचन खेत खार हो जाएगा। 95 निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं यूज नहीं होता? तो ओला नहीं होता, बल्कि बाकी सारे वती मती आइन सब यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 96 परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो इया प्रत्यय है, परसो प्लस इया मिलके परसोइया बना है। क्वेश्चन नंबर 90 धान कोठी में कौन सा समाज है? तो अव्ययी भाव समाज है। अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा कुरिया धरना सही है। फ्रेंड्स इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, 99% श्योर हूँ, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर सी होगा, क्योंकि कोचाई कांदा होना मतलब विचार सीमित होना और कोदो धरना मतलब व्यर्थ समय खोना, तो कुरिया धरना ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 धर की उसन्ना मुहावरे का अर्थ, फ्रेंड्स इसमें समीपस्थ आंसर दंडित करना लग रहा है, लेकिन आयोग इसका आंसर क्या लेगा उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 दही के भोरा कपसा खाए, ये कहावत है छत्तीसगढ़ी में। तो फ्रेंड्स मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे नए नए वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपके लिए मैं और भी बेहतरीन वीडियो और क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करूँगा। धन्यवाद।